नमस्कार, मैं महक रैना, स्वागत है आपका द जेके पेजेस में। आज के इतिहास में यानी 5 फरवरी के इतिहास में हम जानेंगे कि भारत और विश्व में कौन सी घटनाएं घटी जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गया। तो आइए जानते हैं आज का इतिहास। 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चोरी चोरा कस्बे में भड़की हुई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। 1961 में ब्रिटिश समाचार पत्र टेलीग्राफ के पहले एडिशन को प्रकाशित किया गया। 1992 में भारतीय क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने अपना आखिरी टेस्ट खेलकर क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 1999 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने संसद में राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपना आखिरी भाषण दिया और उसी साल मई में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 2007 में भारत की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी। 2010 में भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने नीदरलैंड इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 600 में से 596 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। 2016 को 5 फरवरी को वित्त मंत्रालय ने YouTube चैनल लॉन्च किया। इसी के साथ जानेंगे कि इन महान हस्तियों का हुआ था आज ही के दिन जन्म और निधन। 1916 में प्रसिद्ध कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म आज ही के दिन हुआ। 1990 में भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का जन्म हुआ। 2010 में भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सुजीत कुमार का निधन आज ही के दिन हुआ। 2017 में मप्र केसरी के सम्मान से नवाजे गए बीजेपी के दिग्गज नेता हुकुम चंद यादव का निधन भी आज ही के दिन हुआ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक नए इतिहास के साथ।